Hi there everyone, it's Naveen ul Haq here. I'm absolutely delighted and overwhelmed to take this opportunity to thank the owners and coaching staff. वर्ल्ड कप 2023 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में 11 अक्टूबर को हमें सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है और ये मुकाबला और भी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि इसमें नवीन उल हक और विराट कोहली जिनके बीच में आईपीएल में हमने खासी खींचातानी होते हुए देखने को मिली थी वो भी आमने सामने होंगे। ऐसे में विराट कोहली के फैंस अक्सर ये एक बात कहते हुए नजर आते थे कि नवीन उल हक का ये जो पहला वर्ल्ड कप है वो उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप ना बन जाए क्योंकि विराट एक बार जिस प्लेयर से पंगा ले लेते हैं उसके करियर को खत्म करके ही मानते हैं और ऐसा लगता है कि नवीन ने इस बात को वर्ल्ड कप स्टार्ट होने और विराट का सामना करने से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि नवीन उल हक ने वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि ये इनके ओडीआई करियर का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप होगा। नवीन ने कहा, मैं अपने आने वाले फ्यूचर में करियर को और भी लंबा करना चाहता हूं, मैं सिर्फ टी20 क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं जिससे मेरी फिटनेस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और मैं आने वाले काफी साल तक खेल पाऊंगा। इसके बाद नवीन को और भी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि अब इनको एक नई जॉब मिल जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद और वो है इनकी मैंगो की शॉप की। कमेंट करके आप लोग बताना नवीन के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।